अरे ओ भैया ओ किधर, अरे हम है इधर। जी हाँ, हमारा नाम है प्रशांत शर्मा। अब आप बताएं, अब हम ही आपका स्वागत करेंगे हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड टशन में। अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ आए खाली, तो गुरु आपको बता दें एक बात कि अभी अभी बॉलीवुड की कढ़ाई से ना एकदम दहकता हुआ ट्रेलर निकला है। हैं? पता ही नहीं तुम्हें, तो करते क्या रहते हो। नया ट्रेलर आया है, शाहिद कपूर की पिक्चर है, कबीर सिंह। Not a rebel without a cause, sir. एक बात बता देते हैं आपको इस पिक्चर के बारे में। ये क्या है ना, एक तेलुगु फिल्म थी और इसको डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वंगा ने। नाम ऐसा है ना कि याद नहीं रहता है। उसके बाद इन्होंने रीमेक किया इस फिल्म का। इन्होंने अप्रोच किया था इसके बल्ले रणबीर सिंह। क्या बोलेगा दीदी, तुम बहुत काइंड है। 13 महीने में 3 पिक्चर निकाला, फिर भी दीदी को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बट क्या है कि उनके पास डेट्स नहीं थी, तो किसी वजह से फिर ये फिल्म आ गई शाहिद कपूर की झोली। तो गुरु आप बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर हमने तो देख लिया, अब तुम भी देखो तुरंत समय निकाल के। तेरे क्लिनिक पे आया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। ऐसा छिछोरा है बे, डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? ट्रेलर की बात करें तो कोई बहुत फाड़ू ट्रेलर नहीं, ठीक है हमारी नजरिए से ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं, अगर ट्रेलर ठीक है तो फिल्म भी ठीक हो सकता है, फिल्म बहुत फाड़ू। अब बात करते हैं शाहिद कपूर की। लौंडे ने मेहनत तो किया है अपनी एक्टिंग पे भी और अपनी बॉडी पे भी। नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं कि आपको लग रहा होगा उड़ता पंजाब जैसा है, लेकिन लगेगा आपको ऐसा है नहीं, लड़के ने काम किया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि माना शाहिद बाबा ने उड़ता पंजाब में बहुत विकेट एक्टिंग किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार उन्हें वैसे ही रोल वापस देते रहो। हैं? गलत बात है। साहब वो हाथ से फिसल गया साहब। तो ट्रेलर से हमें जो समझ में आई बात वो ये है कि होता है एक लौंडा जिसको बहुत भयानक गुस्सा आता है, मतलब इतना भयानक गुस्सा आता है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो है और उसका गुस्सा। तो गुस्से को शांत करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected, you understand? Really love her, man. तो भाई साहब की मुलाकात हो जाती है एक बेहद खूबसूरत कन्या से। अब वो कन्या जो है इनके गुस्से को शांत करने का काम करती है। भाई साहब को मोबाइल बज रहा है। इनके गुस्से को शांत करने का काम करती है। नहीं, थोड़ा ही लोग काम करते हैं तो मोबाइल वोबाइल साइलेंट करना भूल जाती है। अब इनका गुस्सा शांत हो जाता है। अब मुद्दा कहाँ फंसता है, शादी का। प्यार होता है, शादी की बात आती है। अब यही जो है कहानी घूम जाती है कि भाई साहब को लड़की तो मिल गई लेकिन बीवी नहीं बना पा रहे। अगर तुझ में भी मेरे लिए वैसा पागलपन है देन कॉल मी, अदरवाइज यू नो मी। पता चलता है कि उनकी शादी किसी और से हो रही है, मतलब कन्या की शादी किसी और से हो रही है। भाई साहब को गुस्सा आ जाता है, फिर गुस्से में वो अंडरस्टैंड काम करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली होता ये है कि इनको लड़की तो मिलती नहीं है, इनकी जिंदगी में आ जाती है शराब और सिगरेट। अब देह शराब देह सिगरेट। भाई को ख्याल ही नहीं अपनी सेहत का। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब अंदर से ना घंटी बजती है, तब बंद कर देना चाहिए सब, नहीं तो ये बंदा गया। तो इनका जो हिस्ट पुष्ट शरीर होता है वो एकदम कमजोर हो जाता है। इनके यार दोस्त परिवार वाले समझाते, लेकिन भाई साहब को कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बात होती लड़की की। गुरु एक बात तो है, लड़की जीवन में आ जाए तो जीवन सुंदर, और लड़की जीवन में ना आए तो जीवन नरक तो हो ही जाता है। ड्रग अल्कोहल ये सब बोल रहे तेरे बारे में फॉर गॉड्स सेक। देख यार, मैं तेरे को लेने आऊं? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? मतलब नहीं आऊंगा ना, बोला नहीं आऊंगा। तो गुरु बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। डायरेक्टर साहब ऑलरेडी पिक्चर बना चुके हैं, तो मुझे उनसे खासा उम्मीद है कि फिल्म उन्होंने बेहतरीन बनाई होगी।
और फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये सुन लो, है उसमें ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी भैया, गाना भी है, दिल को छूता तो। दारू पिएगा मर जाएगा साले, मेरा घर है, मैं जो करूंगा करूंगा। फक ऑफ। ये सब चलता रहा तो भूल जाएगा क्या उसको? अगर वो शाहिद कपूर की एक्टिंग, पूरा कॉलेज का लौंडा बन गया। अब बाद में देखो, एक नंबर का शराबी, क्या ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप, है देखने वाली बात है। अब फिल्म में होता क्या है इसको जानने के लिए आपको फिल्म के रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जाएंगे जरूर देखने पिक्चर, और आप भी जाइएगा, जो फिल्म रिलीज हो जाएगी देखिएगा, हैं? अब हमें बताइए कि आपको हमारा रिव्यू लगा कैसे। अरे सुनते रहोगे, कुछ कमेंट या कुछ लाइक डिसलाइक करोगे। देखो अगर हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो गुरु लगा कैसे, ठीक है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे मिलेंगे हम। हाँ तो चल रहे हैं, कैसा लगा हमारा रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? चल रहे हैं, नमस्कार।